आज़म खान साहब का स्ट्रॉन्ग पॉइंट अदालत नहीं है, प्रोटेस्ट है। वो एक बड़े नेता हैं, वो सड़क पे उतरे, हम सब उनके साथ रहेंगे। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सब आतंकवादी संगठन हैं, इनके खिलाफ आतंकवादी मुकदमे दर्ज कराए ही जाएंगे। कितने वोट मुस्लिम कम्युनिटी के और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने कटवाएं, वो एक अपराध है, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएं। रामपुर से ज़रूरत है तो मैं खुद आके वो केसेस बहस करूँगा। हमारे जितने भी लीडर हैं अगर वो ईमानदार हैं तो वापस हमला करें, क्योंकि ये क्रिमिनल्स हैं और क्रिमिनल्स को जेल भिजवाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। बैकफुट पे जो रहेगा, बड़ा हो या छोटा, वो मारा जाएगा, उसको नहीं छोड़ेंगे। साहब, एक कल फैसला आया है रामपुर में आज़म खां को लेकर, सदस्यता चली गई, तो एक नया ट्रेंड चल रहा है कि जिसको हटाना है लोअर कोर्ट से फैसला दिला देते हैं, 2 साल से ज़्यादा की सज़ा, उसके बाद आप आगे लड़ते जाइए, वहाँ से बाइज्जत बरी हो जाइए, लेकिन सदस्यता चली गई है। देखिए, हमारे इतने बड़े कायद भी डिफेंसिव हैं, ये थोड़ी सी तनकीद है उनके बारे में। इतने मजबूत बहादुर आदमी हैं, ऑफेंस, कितने वोट मुस्लिम कम्युनिटी के और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने कटवाएं, वो एक अपराध है, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएं। रामपुर से ज़रूरत है तो मैं खुद आके वो केसेस बहस करूँगा, और ये काम हम शुरू कर भी रहे हैं। वेस्टर्न यूपी से हम ये काम शुरू कर रहे हैं कि यूपी में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के और मुस्लिम कम्युनिटी के लाखों वोट कटवाए गए हैं आरएसएस, और ये सब अपराध हैं, तो हम इसकी एफआईआर भी दर्ज करा रहे हैं और एक मुहिम चला रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जितने भी वोट हैं वो वापस हम रगवाएं। उसी तरीके से इन्होंने आरएसएस के खिलाफ, बजरंग दल के खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं कराया, हमने कराया है। देखिए, हमारे खिलाफ कितने अब हमले कम हो गए ना, अब तो अमित शाह जी ने सोच रखा होगा कि एक ही इलाज है मेरा गर्दन कटवाने का, लेकिन बाकी तो सब ये बैकफुट पे है ना, क्योंकि हमने खड़े होकर मजबूती से मुकाबला किया। तो यही मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे जितने भी लीडर हैं अगर वो ईमानदार हैं तो वापस हमला करें, क्योंकि ये क्रिमिनल्स हैं और क्रिमिनल्स को जेल भिजवाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। जब तक हम ये नहीं करेंगे, ये हमले करते रहेंगे। आज़म खान साहब जो असली लीडर थे उस जगह के, अब उनकी जो नुकसान हो गया कोई भरपाई कर सकता है? भरपाई हमें खुद ही करनी पड़ेगी, आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके, कर्नाटक में अब सरकार जो बनी है उससे डिमांड करके, और प्रोटेस्ट करने के लिए मैं कर्नाटक जाऊंगा। अब अगर बजरंग दल के खिलाफ इन्होंने यूएपीए के मुकदमे दर्ज नहीं किए, ये बैन तो नहीं कर सकते क्योंकि ये केंद्र सरकार के डोमेन में आता है, लेकिन चलो कानूनी सलाहकार इनके अच्छे नहीं होंगे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कह दिया बैन करेंगे, लेकिन ये बैन करने की जो कार्रवाई होती है, जो जो बजरंग दल ने हरकतें की हैं वहाँ पर, वो सब आतंकवादी गतिविधियाँ थी, उसके उन्होंने यूएपीए के केस दर्ज कराएंगे, हम कराएंगे अगर कांग्रेस नहीं कराएगी, और अगर कांग्रेस नहीं करेगी तो हम लोग प्रोटेस्ट भी करेंगे, लेकिन आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सब आतंकवादी संगठन हैं, इनके खिलाफ आतंकवादी मुकदमे दर्ज कराए ही जाएंगे, और कांग्रेस पार्टी ने क्योंकि वादा किया है, हम उनको अपनी बात पे खड़े रहने के लिए मजबूर भी करेंगे। अब क्या लीगल ऑप्शन बचता है आज़म खां के पास, जिस तरह से उनको बेइज्जत बरी कर दिया गया उस केस में, जिसकी वजह से उनकी सदस्यता चली गई, साथ ही इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी सवालात खड़े हो रहे हैं, तो क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा रास्ता है कि उनकी सदस्यता बाकी रह जाए, दोबारा से रिस्टोर हो जाए? जब तक वो रिस्टोर होगी, जब तक टेन्योर निकल जाएगा। मैं ये बार बार, मैं तो खुद वकील हूँ ना, मैं जब इस बात को कहता हूँ कि 20% अगर आपको न्याय चाहिए, 20% अदालत से मिलेगा, 80% पीसफुल प्रोटेस्ट करके मिलेगा। आज़म खान साहब का स्ट्रॉन्ग पॉइंट अदालत नहीं है, प्रोटेस्ट है। वो एक बड़े नेता हैं, वो सड़क पे उतरे, हम सब उनके साथ रहेंगे। सड़क पे उतरे, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को हम लोग सब साथ लेते हैं, बड़े बड़े प्रोटेस्ट करेंगे और मजबूर करेंगे इलेक्शन कमीशन को कि वो कानून के हिसाब से चले, संविधान के हिसाब से चले, ये गैर कानूनी कार्रवाइयों में इस भ्रष्ट सरकार की, आरएसएस और बीजेपी की मदद ना करें। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात होनी चाहिए कि जानबूझ करके कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है, 2 साल की सज़ा जानबूझ कर 2 साल से ज़्यादा दिलाई जाती है ताकि सदस्यता चली जाए, तो उसको लेकर के कोई स्पष्ट गाइडलाइंस बननी चाहिए? जब कांग्रेस पार्टी ने जज के खिलाफ और स्पीकर्स के ऑफिस के खिलाफ बार बार, मेरी आपको भी बयान मैंने दिया था, आज तक नहीं की है कोई कार्रवाई, तो आज़म खान साहब से तो मैं तवक्को नहीं करता। कांग्रेस पार्टी जब बैकफुट पे है, बैकफुट पे जो रहेगा, बड़ा हो या छोटा, वो मारा जाएगा, उसको नहीं छोड़ेंगे। राहुल गांधी मामले में उन्होंने कोई एफआईआर नहीं कराई, कोई कानूनी कार्रवाई जज के खिलाफ नहीं की, कोई कानूनी कार्रवाई स्पीकर के खिलाफ नहीं की, जिसने घंटों में इनकी सदस्यता छीन ली, उसके पास कैसे ऑर्डर मिले, मैंने तफसील में बयान दिया था। फिर ये दिल्ली सरकार है, अब ये जब तक इसका फैसला होगा, अगले असेंबली के चुनाव आ जाएंगे इस ऑर्डिनेंस के बारे में,
तो दिल्ली सरकार ने भी एक रामलीला मैदान में एक रैली करने के बाद अपना कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सड़क जाम, चक्का जाम, प्रोटेस्ट, लाखों लाखों लोग सड़कों पर बैठने चाहिए, ये कैसे ऑर्डिनेंस पास कर दिया? और मैं कांग्रेस पार्टी की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, ये गलत बात कर रहे हैं, विल ऑफ द पीपल है ये। अब अरविंद केजरीवाल जी को मैं नापसंद करता हूँ, क्योंकि वो भी अलग अलग लेवल पे धोखा दे रहे हैं पब्लिक को। एससी एसटी कम्युनिटी का पैसा छीन कर, सब प्लान का पैसा छीन के सब्सिडीज़ दे रहे हैं, उससे मैं उनकी मुखालफत करता हूँ। मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, मैं मुखालफत करता हूँ उनकी। लेकिन जो भी है, चाहे वो धोखे से झूठ बोल के, उनके पास विल ऑफ़ द पीपल है। ये सरकार संविधान के खिलाफ, देश के संविधान के खिलाफ इसने ये ऑर्डिनेंस लाया है, उसके खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट होने चाहिए, पार्लियामेंट के बाहर होने चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर होने चाहिए, पूरे देश में होने चाहिए। अगर वो नहीं कर रही आम आदमी पार्टी, तो ये भी सॉफ्ट रेजिस्टेंस जो है ना, ये नुकसान ही देती है, फ़ायदा नहीं देती।